हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आप मदर ट्यूटोरियल्स। आप समस्त मन नमस्कार। आज आम देखा जेनता कि ओएसएपी आईआरबी चली जो 2024 बार अच्छी कि आम कनसेप्चुआल जहाँ भी क्लासेस होती आम द्वारा हो पड़ी पूरा आम कनसेप्ट व्वज क्लास करुच्छे। आज आम क्लास डे 5 है कि नहीं आई रोला ला कौटा डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। तो डेसिमल और फ्रैक्शंस रो गोटे मैंने क्लास जाइला जोटा कि डे 4 आठ आम गोटे जगह मैंने होल्ड होता कह कि आज से टाइप्सा ही आम करवा आज कौ टाइप करके चलवा देखा। आदि क्या जी आम पढ़ा स्टाइल भल लगुच छोटिया नोटा बुझे लगे जहाँ को जब आम पढ़ा स्टाइल भल लगुच तो तुम आम कर्तव्य बेच जॉइन कर पार बुझे लगे सरी बाजी राउत बेच जॉइन पारो कर्तव्य बेच चलुच्छे एस आई आर आई जी भी एस आई आर प्रिपेयर हो सी कर्तव्य बेच जॉइन कर पार बाकी जी जदि बाजी राउत बेच हो मैंने स्पेशल ये क्या मैंने प्रिपेयर अच्छे ये अच्छी ओएसपी आईआरबी ओएसपी आईआरबी जो 2024 रिक्वायरमेंट आसो एवं ही आसवा वाला अच्छे बुझे लगे या सहित तुमको ये कूपन कोड यूज करो PT100 तो तुमको ये 699 अवेलेबल हो 699 आ देखो कंप्लीट सिलेबस ये कवर करा जिवो जोटा कि आरपीएफ होगा जहाँ भी एग्जाम दौ तुम एस एस सी जीडी एग्जाम दियो एतक सफिसीयंट थी कम कि सब अलमोस्ट कवर करा गोटे भी जिनस छड़ा होनी बुझे लगे आ सहित आम मॉक टेस्ट भी देवू 30 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आम भाई कि 30 मॉक टेस्ट जो दिजो से वीडियो सॉल्यूशन सांगे ही थी वीडियो सॉल्यूशंस मीन आम गोटे प्रैक्टिस बैच लॉन्च करूँ जी से प्रैक्टिस बैच जॉइन कला ताको ये 30 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाव बुझे लगे आठ खाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा जीवो बहुत सारा है तो चलो स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन देख फास्ट क्वेश्चन कहला ये टाइप्र क्वेश्चन तुम एग्जाम देखि जब एग्जाम दौले है तो जो पिला दौ जना पड़ता बहुत सारा पिला कमेंट कर लेवल को टच करब कि ना तो आम देख यू जिन येवेल जाए ही जीव बेसी हाई लेवल जीवन केते क्वेश्चन आसो कौन आसो आमको तो जाना ना बाकी प्रोबेबिलिटी आम देखिक चलवा जहाँ भी आगु प्रीवियस क्वेश्चन आसी जहाँ आई लेवल आम देखिक बुझे लगे तो ये देख ये दे नंबर 0.121212 इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू इज है तो यही जिनस जानवा आगु ना आम टे जिन भलसे बुझू ये कौनटा नॉन टर्मिनेटिंग आउ रिक्वायरिंग फास्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग मैंने या टर्मिनेट कर पार्बानी आउ रिपीटिंग माने से गोटे ही नंबर बार बार आसवा स्टार्ट है देख ये 1 2 आसला पुणी आउ थे 1 2 1 2 बार बार आसूसी कि ना आसला तो ये ना के भी एंड हेने तुम्हें लिखो तुम छुआ पिला लिखे पुणी तक छुआ पिला लिखे हेल्ले भी सर ना बुझे ना तो ये एमती चली थी तो ये कौन हम कि जिते 0.121212 कहगला तो तुमको लगुव ये गोटे ये मत बतेब कि रेसनाल नंबर कि रेसनाल नंबर हम ये गोटे परिमय संख्या हम कि अपरिमय संख्या हम कहीं कि ये तो एंड हेबारे आ मुझे कौन ना जमीक √2 होगा √2 वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू किसी थाए ना तो कौन कहगला अपरिमय संख्या कहगला बाकी ये परिमय संख्या अंडर जीव कि अपरिमय संख्या अंडर जीव ये ना परिमय संख्या अंडर जीव है ये कह अंडर जीव परिमय संख्या कौन जीव कहीं कि यार एक्यूरेट वैल्यू मुझ प्राय तो बाहर करें एप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर करें पाखापाखी वैल्यू एमती नहीं कि पूरा ही वैल्यू बाहर करदेवी एप्रोक्स वैल्यू बाहर करें जोटा कि पी बाय क्यू फ्रैक्शंस वैल्यू हिसाब से बाहर करें तो आम से देखा देख तो मुझे फास्ट हाल्का बतौर तर स्पीड अप्रोच देखिए चलवा मुझ मानिक चल मुझे कहते कि लेट एक्स एक्स एमती गोटे संख्या थी जार वैल्यू बोधे 0.121212 होटा हो मानिक चलनी कि बोधे एमती किसी थी ठीक अच्छे तो मुझे कौन लिखी कि 10x करी 10x मैंने बोथ साइड 10 रुणन हे तो 10x इक्वल टू जो 10 गुणन होगा दशमिक संख्या गोटे आगे पलब तो ये आसो 1.212 एमती चलो कि नहीं पुणी पता है ना खाली गोटे दशमिक आगे गलापर मुझे कहूँ कि 100x लिखीदी 100x तो तुम कह कि आसो 12.121212 ये भी चलना तो ये भाव कि यही दुटा को देख इक्वेशन आउ इक्वेशन देख फास्ट आउ थर्ड इक्वेशन टाक देख ये मुझे कहूँ कि ये दुटा को माइनस करागला दुईटा को परस्पर टी मैंने वियोग करागला तो तुम कह कि ये भी 0.121212 अच्छी ये भी 0.121212 अच्छी तो दुईटा तो यही सैड तो पूरा कैनसल ही पार्ब ना पार्ब कि नहीं तो तुम कह कि ये जो 100x रु एक्सटा माइनस कल मैंने इक्वेशन रु इक्वेशन टाक माइनस कर तो बताओ ये 100x रु जब गोटे एक्स गला तुम कह कि 99x होगा इक्वाल टू एटा जो माइनस होगा ये 0.121212 0.121212 कटला 12 रु जब 0 गला तो आंसर आसला के 12 ये बुझे लगे ना तो एक्स रैल्यू के एक्स रैल्यू होगा 12/99 तो तुम कह कि ये जो भैल्यू भाई ये भैल्यू मन कर मुझे मानी के मानी एटा एक्स तो एक्स रैल्यू लास्ट मुझे पाइली
12/99 से कहला ना पी वाई क्यू फॉर्मेट बाहर कर तो आंसर है 12/99 चार तीन काटि पारि तीन चौ बार तीन काटि पारे 33 तो तुम कह कि आंसर के 4/33 ऑप्शन डी तुम राइट आंसर है ऑप्शन डी तुम राइट आंसर है ये कौटा ये ना सिंपलेस्ट फॉर्मटा होगा जब मुझे कि 12/99 रो सिंपलेस्ट फॉर्म जदि करी तो ये आसो 4/33 किंबा एटा इक्विवेलेंट बोली भी कह टर्म गुड़ा मन रख बुझे कि नहीं कौटा तार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो छोटिया छोटिया जिनस तुमको मन करवाई कि बहुत बड़ जिन किसी शिखिजी हेले ही करें एमती किसी ना तो चलो तापर आम सेकेंड क्वेश्चन देखा द रेसलन नंबर फॉर द रिक्वायरिंग डेसिमल 0.125125 तो तार आगु आम गोटे जिनस देखिक चल देख मुझे जिते बड़े मन कर मुझे कि एक्स रैल्यू होगा मान चल मुझे दुईटा एग्जांपल लगुच है तो बुझे कि लेट एक्स इक्वल टू है मन कर 0.44 मैंने 4/12 बोलिक लिखाई है मत ठीक अच्छे तो या लगे पी वाई क्यू फॉर्मेट लिखिकी बताओ ठीक अच्छे मुझे तीन टा टाइप करुच्छे तो तीन टा टाइप करुच्ची तुम्हें धीरे धीरे बुझीज है तो एमती आम क्वेश्चन हिसाब से टाइप्स को चूज कर माना तुमको जना पड़ब नहीं कि कौन हो एटे टाइम जब देख तेज तुमको जना पड़ब कि यही सिक्वेन्स एमती किसी पैटर्न तो बना हो तुमको कि एक्स इक्वल टू के एक्स इक्वल टू है 0.4444 रिपीटेशन चलो जितने मुझे 10 मल्टीप्लाई कली तो ये 10x बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई कला गला तो ये 4.4444 ठीक अच्छे एवं मत बताओ ये दुटा को जब माइनस कर पारि तो ये देख 0.4444 अच्छे ये भी 0.4444 अच्छे तो मैंने हम कौन कि 10x इक्वल टू है 4.4444 ये माइनस हम एक्स इक्वल टू है 0.444 ये दुटा जब माइनस कराला बुझीपाल कि नहीं एक्स रू 10x माइनस कराने यू करा 10x रू एक्स तो तुम कह कि लास्ट आसो के 9x ये आसगला के 9x 9x इक्वल टू के 9x इक्वल टू हम ये देख या कटिगला तो तुमको कह कि ये आसगला 4 तो मत बताओ ये एक्स रैल्यू के आसला एक्स रैल्यू है 4/9 तो ये यही ध्यान से देखुद तुम कह कि ये जो एक्स रैल्यू आसला ना सी 4/9 एवं मन कर मत गोटे संख्या दिता लेट एक्स इक्वल टू होता 43/12 0.43/12 ठीक अच्छे बहुत सारा टाइप से 0.43/12 पूरा 0.43/12 तो तुम कह कि मुझे के 10x इक्वल टू नी 10x फास्ट एक्स इक्वल टू के आसो 0.43/12 मैंने 0.43 एमती रिपीट हे तो मत बताओ 10x इक्वल टू के 4.43 तार पे आसे 4.3 एमती चलला जब मुझे 100x नी के जाए एम कितने जाए एमती निया जब जाए ना डेसिमल पर तुम नंबर गुड़ा इक्वाल हो देख ये इक्वाल है कि ये 4.3 रू स्टार्ट ये 3.4 रू स्टार्ट है इक्वाल तो हालाने मत एति जाए करवा जब जाए इक्वाल हो देख ये 4.4 जाऊला ये भी 4.4 हो गला तो मुझे गोटे स्टेप लिखीदी बुझे कि नहीं तो आउ थे 100x कर दिल तो ये 43.43 43 43 एमती चलला तो एबे देखो एबे ये दुज पूरा भल से नोटिस कर तुम कह कि यहीटा 43 43 43 ये भी देख से 43 43 43 दुई जन इक्वाल है कि नहीं तो मुझे कौ दुटा इक्वेसन को माइनस कर पारि ये दुटा इक्वेसन को यही दुटा इक्वेसन को माइनस कर पारि या तो तुम कह कि 100x रु जब एक्स गला 100x रु 100x इक्वल टू है 43.4343 आइए रिपीटेशन चलब तार पे ये आसगला एक्स रैल्यू हो गला 0.4343 यार भी रिपीटेशन चलला जब मुझे यही दुईटा को माइनस कली तो 100टा एक्स रू जब गोटे एक्स गला तुम्हें कह कि 99x के आसब 99x इक्वल टू आसला 43 तो मत बताओ एक्स रैल्यू के आसब 43/99 तो तुम कह कि यार भैल्यू है 43/99 एकी लगी एवं मानिक चलो तुम कह कि ये मत मन कर कहता कि ये मन कर मत दिता 0.43 खाली बार बुझीपाल कि नहीं मत कहता कि 0.43 बार ये मत कौन दिखाई 0.43 आउ 43 टोटाल बार बुझे कि नहीं दुईटा भितर डिफरेन्स अच्छे है तो तुम कह कि लेट एक्स इक्वल टू मुझे 0.4 तो रिपीटेशन हो 3 रिपीटेशन अच्छे
तुम्हें जब 10x मल्टीप्लाई कल 10 मल्टीप्लाई कल तुम्हें कह कि आस 4.3333 तो मतलब बताओ एवं पॉइंट पर डेसिमल नंबर पर यह सब नंबर मिसला कि तुमको कह कि मिसी से 4.3333 तो मुझे आउ थे 10 मल्टीप्लाई करी 100x इक्वल टू ये 43.3333 एवं देख 33 मिसवा स्टार्ट है यही आउ ये मिसवा स्टार्ट है एवं उपरटा आउ कौ मिसुनी एवं कैन क्या मिसला ये दुईटा मिसला जदि युटा मिसवा स्टार्ट हो गला तो मुझे ये दुईटा के माइनस करी बुझे कि ना ये कम थी कि डेसिमल नंबर पर जोटा मिसी जाए तेज ही काटिपारे तो बताओ 100x रु जो 10x माइनस होगा 100टा 100x रु जो 10टा एक्स वियोग हो गला तो तुम कह कि 90x आसीगला आई कौन टाइम युटा कटिज तम मैंने ये गला 43 माइनस 4 तो मत बताओ एक्स रैल्यू के एक्स रैल्यू है 43 माइनस 4/90 एक्स रैल्यू के 43 माइनस 4/90 जहाँ वैल्यू आसब है कि तो मुझे ये जिनस देखापी चाहिए ये इक्वाल टू के 43 माइनस 4/90 तो मुझे तीन टा जिनस को आउ थे एका सांगे लिखुची है तो ये मत फास्ट के फास्ट लिखाई 0.4 ये आम जापरल 0.4 इक्वाल टू है 4/9 है जो 0.43 उपरे बार दिगला तो तुम कह कि 43/99 है जो 0.4 आउ खाली 3 उपरे बार दिया दिहे तुम कह कि 43 माइनस 4/90 होता एमती होता कि नहीं तुम निजे देख ये होता ना देख यहाँ देख 43 माइनस 4/90 हो तो ये आम सेम पैटर्न टाक देखिक चलू तुम कह कि जितकीटा उपरे बार अच्छे जितकीटा संख्या उपरे बार अच्छे फास्ट तो सही नंबर टाक पूरा लिखा होती चार देखागला चार लिखली ये 9 आसला ये 99 आसला ये 90 आसला ये 90, 99, 90 ये केमती आसूसी 9 केमती आसूस ये हिं देखार अच्छे जितकीटा संख्या उपरे बार अच्छे जितकीटा संख्या केतटा संख्या उपरे बार अच्छे गोटे संख्या तो गोटे 9 लिखागला सरला ये केतटा संख्या उपरे बार थिला दुईटा दुईटा डिजिट उपरे बार थिला ना तो लिखाला 2 9 कितना 9 2 9 आउपर जो नंबर था से नंबर था ये कौन है 43/3 उपरे बार अच्छे तो तुम कह कि 43 फास्ट लिखो जहाँ ठी बार ना जो संख्यार बार ना से संख्या को सी माइनस कराव आउ डिवाइडेड बाय जितकीटा संख्यार बार अच्छे जितकीटा संख्यार बार अच्छे से 9 आउ जो संख्यार बार ना ताप गोटे गोटे 0 बुझे कि नहीं जदि ये क्वेश्चन के कहता कि 0.436 उपरे बार रो वैल्यू के तो तुम कह कि 436 फास्ट लिखी दीदी केतटा नंबर बार नहीं 4 बार नहीं तो -4 आतटा डिजिट्रे बार अच्छे 2 डिजिट्रे तो 2 9 आतटा 0 केतटा डिजिट्रे ना तुम कह कि यहाँ देख 0 क्या लिखा हो देख गोटे डिजिट है 4 जोटे बार नहीं ताप गोटे 0 लिखा हो बुझीपाल कि नहीं कि माइनस कलापर जहाँ वैल्यू आसला किसी असुविधा नहीं है ना तो आम बहुत सारा टाइप्स अच्छी यार सब्सट्राक्शन अच्छी एडिशन अच्छी मल्टीप्लिकेशन अच्छे आम सब जिन देखिक चलवा बुझे कि नहीं तो चलो क्वेश्चन रू स्टार्ट करवा धीरे धीरे और पेसेंस बोली बुझ ये सब किसी बड़ जिनस ना एंता ही क्वेश्चन आसे एक्जाम है तो तुम सी टी दि बी एड दि जहाँ एक्जाम दौ दि ये टाइप क्वेश्चन तुम देख एक्जाम देख ये कही द रेसनाल नंबर फॉर द रिक्वायरिंग डेसिमल देख कह रिक्वायरिंग डेसिमल आउ ये कौनटा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग माने ये टर्मिनेट कर पार्बन आउ रिक्वायरिंग हे आउ गोटे थाए मैंने रिक्वायरिंग खाली थाए रिक्वायरिंग माने से चली थी बुझीपाल कि नहीं तो ये देख ये आसला 0.125125 तो तुम कह कि जो 0.125125 लिखाला तो 125 कौन टाइम बार पूरा टोटाल 125 बार हे तो मत बताओ एवं मुझे बिना एक्स नहीं करी कि यार वैल्यू तुम कह कि डायरेक्ट मुझे लिखी 125 केतटा डिजिट्रे नंबर बार अच्छे 3 तो तुम कह कि 3 न ही जितकीटा उपरे बार था सेकटा नब तो आंसर देख मुहरे मुहरे बाहर मैंने भरबली बाहरी जो आंसर ऑप्शन सी तुम राइट आंसर हो क्लियर है चलो ताप नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्वेन 0.47 बार इज कनवर्टेड इन टू ए फ्राक्शन द रेजल्ट जदि कहगला 0.47 बार से ना बार दे ना बुझीगला कि नहीं कि सीटी बार दे ना बाकी तुम्हें जानवर अच्छे कि ये बार को ही रिप्रेजेंट करुच 0.125125125 लिखवा जहाँ 0.125125 करके डॉट डॉट दे देवा माने है ना ये जिनस रिपीट हो कि स्टार्ट होती तो मतलब मेनसन करा तो जो संख्या रिपीट होपर बार दिजो बुझेगा कि नहीं तो ये देख ये आसगला 0.47 बार या तुम कन्वर्ट करो 4
56 फ्राक्शन 0.47 उपरे बार 0.47 उपरे बार 4 आउ 7 उपरे बार तो मतलब बताओ याकू केते लिखा जीवो तो मको बगी 47 डिवाइडेड बाय 99 तो तुम्हारा आंसर केते जीवो एटा 47 डिवाइडेड बाय 99 ऑप्शन डी तुम्हारा राइट आंसर हे जीवो क्लियर होला। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आई छी व्हेन 0.423 इज कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन आउ 23 ऊपर खाली बार दिया आई छी द रिजल्ट इज केते हेबो तो तुम कहबो कि जदी इटी मते कोहा गला 0.423 आउ खाली 23 ऊपर बार दिया जी छी तो तुम इटू कहि परबो ना 423 हेबो आ -4 हेबो आ केतरा डिजिट रे बार दिया आई छी दुईटा डिजिट रे बार अछि ता पई मु लिखली दुईटा नाइन केतरा डिजिट रे बार नाही गोटे तो तुम कहबो कि गोटे 0 बुझी बुझी तो माइनस करले आसबो केते 419 डिवाइडेड बाय 990 तो मतलब बताइए कहाँ सागर कटबो ऑप्शन अच्छे कि 419 990 हाँ अच्छे तुमको बोल ये आंसर है के ऑप्शन डी तुम राइट आंसर है क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही लिखाई देख ए एडिशन करापे दिखाई तो एडिशन बहुत जन ना बहुत हिसाब से करन कि मैंने डिनोमिनेटर सामान करके तुमको सब बेस्ट एप्रोच गुटा थी आम देखिक चलवा जो कही द वैल्यू ऑफ 0.2 रे बार 0.323 रे बार और 0.32 रे बार तो एमती बिल्कुल भावनी कि मुझे खाली प्लस करदेवि आ लिखिदेवि आंसरटा एमती बिल्कुल भी करवा नहीं बुझे आंसर भूल होमती कि मैंने तुम कह कि 32 आउ 3 आउ 2 मिसेदेवि 32 रे 3 मिसी केते हेगला 32 रे 3 मिसी कि 35 2 मिसी कि 37 आउ तुम कह कि 37 रे बार देदेवि तो भूल हम बुझे कि नहीं तो आम देख ये के आंसरटा भल से देखिक चलो ठीक अच्छे। तो देख यार मान्य आम देखा जमीक मत कर 0.2 रे बार 0.2 रे बार मान कौन 0.2222 एमती रिपिटेसन चली बेसी नहीं तुम्हें तीन चार लिख ना आउ किसी लिखवा दरकार नहीं ठीक अच्छे। तो जदि मत कर ये कहुई 0.3 रे बार 0.3 रे बार मीनस 0.3333 हाँ तो तीन टा लिखले ही जीवो तीन चार टा लिखले कोमे कि 32 अछि बोली कि मु एक्स्ट्रा लिखि दउ छी बुझि लागि नै कि इट मते कहला कि 0.32 पर बार 32 पर बार माने लिखबी 0.32 एतिटा लिखे मते जणा पड़ि जीवो ठीक अछि। तो मु एडी आउट एक्स्ट्रा 3 लिखबी आ एडी एक्स्ट्रा 2 लिखु छी कबे कि एडी देखो 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 हला ए मते ना समस्त को मिसेया पई कहि छी समस्त को कहि छी कि प्लस करि कि बता तुम कहि कि एमान को प्लस करवा जाए यहाँ को प्लस करवा से एकटा तुम प्लस करवा स्टार्ट करे तुम कह कि 3 2 5 2 7 3 3 6 7 8 3 3 6 2 8 3 2 5 6 7 7 है 3 3 6 2 8 3 2 5 2 7 3 3 6 2 8 0.0 तो मत बताओ कहाँ रिपीटेशन तुमको देखा गला कि 0.0 तुमको देखा जाऊँ समस्त देखा हो 0.87 87 87 तो तुम आंसर कह 0.87 रे बार हे बुझे लगे कि तो सब मत लगे कि सब बेस्ट एप्रोच है ये एमती कर दि आंसर बाहरी गला अधिका किसी करवा दरकार नहीं बुझे लगे। तो चलो तापे नेक्स्ट क्वेश्चन आम जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कही द वैल्यू ऑफ 4.12 रे बार तो तुम कह कि आम जो आगु देखला आम जो आगु देखी था देख आम जो टाइप्सटा भी देखी थी ये मुझे जितकी भी तुमको टाइप्स बताई ये टाइप्स कौ टाइप रहा 0.0 रु स्टार्ट होता जितनी भी देख सब जहाँ भी दशमिक संख्या अच्छी कि जहाँ भी बार लगी 0.0 लिखाई बाकी ये जो क्वेश्चन दिगला से क्वेश्चन है ना आगे गोटे 4 भी लिखी देखिए मैंने 0.0 लिखाई नहीं 4.0 लिखाई तो आम फास्ट तो पूरा डिटेल्स इलाबोरेट करूँ तब तार सर्ट ट्रिक भी जानवा तुम कह कि फास्ट मानिजी लेट एक्स इक्वल टू है 4.12 पर बार ठीक अच्छे लेट 4 एक्स इक्वल टू कहला 4.12 पर बार ठीक अच्छे। तुमको जी जो 10x लिखा हे यार मैंने कौनटा कि 4.122 रिपिटेसन खाली चली 22 रिपिटेसन चली मत कह कि पॉइंट पर मत यही नंबर दरकार अच्छे कि कौ नंबर भी दरकार जमीक मिसवावाला थे बुझे लगे कि खाली यही नंबर बोली माने ना कहीं भी थी बाकी पॉइंट पर सब मिसवा कथा पॉइंट पर सब नंबर मिसवा कथा जहाँ भी हो तुम कह कि 10x जब 10 मल्टीप्लाई है ये 10 मल्टीप्लाई है कैसे 41.2222 एवं देख पॉइंट पर नंबर सामान अच्छी कि ना फेर आउ थे 10 मल्टीप्लाई कले ये गला 100x और 100x इक्वल टू है 412.2222 है देख तो 0.2222 ये सामान अच्छे
ସମାନ ଅଛି ନା, ତ ତୁମକୁ ବଗି ଏଇ ଦୁଇଟା ତ କାଟି ହେଇପାରିବ, କଟାଇ ପାରିବ ମାନେ ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସରୁ ଦଶଟା ଏକ୍ସକୁ ମାଇନସ୍ କରାଯିବ, ଶହେଟା ଏକ୍ସରୁ ଦଶଟା ଏକ୍ସ ଗଲେ କେତେ ହେଲା ନବେ ଏକ୍ସ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆସିଗଲା କେତେ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟି ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଏ ସରି ଏବେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖିବା ଆମେ, ତ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟି ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଏ ନାଇଣ୍ଟି, ଏତିକି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ମୁଁ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ବତେଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଦେଖ, ଏତିକି ସବୁ କରିବାର ମାନେ ହେଲା କି ଆମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଦେଖିବା କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା। ଏଠି ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ଉପରେ ବାର, ତ ତୁମେ କହିବ କି ଏଠି ଯାହା ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତୁମେ ସବୁ ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ, ଯାହା ନମ୍ବର ଦେଖାଗଲା ସବୁ ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। ତୁମେ କହିବ କି ମୋତେ କେତେ ଆସିଗଲା ଫୋର୍ ୱାନ୍ ଟୁ, ଆଉ ମାଇନସ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାରେ ବାର ନାହିଁ ସେଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁଣି ମାଇନସ୍ କର, ତ ତୁମେ କହିବ କି ଫୋର୍ଟି ୱାନ୍ ଏଇଠୁ ମାଇନ ବାର ନଥିଲା, ବାକି ବାଏ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଲେଖିବି, ନାଇନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଲେଖିବି, ନାଇନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଲେଖିବି, କେତେ ଲେଖିବି ସେଇଟା କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ଖାଲି ଡେସିମଲ୍ ପର ପର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାରେ, ଆଗ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ତୁମେ ଏଇଠି ବତାଅ କେତେ ହେବ, ଇଏ ଆସିବ ତୁମର କେତେ, ଗୋଟେରେ ବାର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ନାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେରେ ବାର ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଜିରୋ। ଦେଖ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ତ ଏଇଠୁ ଫୋର୍ଟି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲେ କେତେ ହେବ, ଦୁଇରୁ ଏକ ଗଲେ କେତେ ହେଲା ଏକ, ସାତରେ ଚାରି ମିଶିକି ଏଗାର, ଏଇଠି ଆସିଯିବ ତିନି, ଏଇଠି ଆସିଯିବ ନା ବାଏ ନାଇଣ୍ଟି। ଯଦି ନବେରେ କାଟିଲେ ନଅ ଚଉ ଛତିଶ, ତିନିଶହ ଷାଠିଏ, ତିନିଶହ ଷାଠିଏରେ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି ଏଗାର ବାଏ ନବେ, ତ ତୁମକୁ ବୋଲି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଭାବ ତୁମେ ଯଦି ପୁରା ଏତିକି ଲମ୍ବା ଲେଖିବ ତ ତୁମର ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ, ବାକି ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ଜାଣିଦିଅ। ବୁଝିଲା ତ? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆସିବ ନାହିଁ, ହେଲା ତ? ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହାହେଇଛି ଏ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ, ଏବେ ଦେଖ ସେ ରିକ୍ୱାରିଙ୍ଗ ଡେସିମଲ୍ ସରିଲା, ସେତିକି ଟାଇପ୍ସ ଥିଲା, ଏବେ ବାକି ଯାହା ବି ଡେସିମଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସରେ ଆଉ କ'ଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ହାଲକା କଭର କରୁ, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଡେସିମଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ସିଫ୍ଟ ହେବା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ୟାପରେ ଆମେ ଆଣିବା କେଉଁଟା ଏଲ୍ ସି ଏମ୍ ଏସ୍ ସି ଏଫ୍, ତାପରେ ଆଣିବା ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ହେଲା ତ? ତ ଦେଖ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଇଫ୍ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ଫାଇଭ, ଏଠି ମୋତେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିଥିବ କି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ କହିଦେଇଛି ଇଏ ହେଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ଫାଇଭ, ସେ କିଛି ବି ଦେଇପାରେ, ତୁମକୁ ଏଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ନ ଜଣାଥିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା କି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ। ତ ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ, ଏଠି ବି ଥିଲା ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ, ତ ଏଇଠି ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା ଏଇଠି ବି ଯଦି ମୁଁ ଡେସିମଲ୍ଟାକୁ ହଟେଇଦେବି ତୁମକୁ ବି ମୋତେ ଦେଖାଯିବ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ, ଏଠି ବି ଦେଖାଯିବ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ, ତ ତୁମେ କହିବ କି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ଫାଇଭ ତ ଆସିବା କଥା, ଏଇ ନମ୍ବର ହିଁ ତ ଥିବା କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ବାକି କାମ ରହିଲା ଏଇଠି ଡେସିମଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ଡେସିମଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କେତେଟା ଛାଡ଼ିକି ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଡେସିମଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କେତେଟା ଛାଡ଼ିକି ଘର ଡେସିମଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ବାସ୍ ଏଇଥିରକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ଏକ ଆଉ ଏକ ମିଶିକି ଦେଲା ଦୁଇଟା, ତ ତୁମକୁ ବାକି ଏଠୁ ନା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କେତେଟା ଛାଡ଼ିକି ଥିବ କଥା ସିଏ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଥିବା କଥା, ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ ଟୁଏଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ, ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ଟୁଏଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ, ତ ତୁମକୁ ବାକି ଅପସନ୍ ବି ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ବି ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଭରି ଭରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏମିତି, ହେଲା ତ? ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବୋଲିକି କୁହାହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଭେନ୍ ବାଏ ନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଭେନ୍ ବାଏ ନାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେଭେନ୍ ବାଏ ଫୋର୍ଟିନ୍, ଇଲେଭେନ୍ ବାଏ ଫୋର୍ଟିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟେନ୍ ବାଏ ଥାର୍ଟିନ୍, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା କିଏ ପଚାରିଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଏ ପଚାରିଛି, ତ ନା ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଥିବ କି ଆମେ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରିଦେଉ। ଏକ ତ ଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ କି ସମାନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ କର, ଯିଏ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ସିଏ ବଡ଼, ଯିଏ ଉପରେ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ସିଏ ସାନ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଛୁ, ବାକି ୟାଙ୍କର ଏଲ୍ସିମ୍ ବାହାର କଲା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାଠୁ ବେଟର୍ କି ମୁଁ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବା ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଚଉଦ ସତା କେତେ, ଚଉଦ ପଞ୍ଚା ସତୁରି, ଚଉଦ ଛଅ ଚଉରାଅଶୀ, ଚଉଦ ସତା ଅଠାନବେ, ଆଉ ଏଗାର ନୂଆ କେତେ ଅନେଶ୍ୱତ, ତୁ ମୋତେ ବତାଅ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅନେଶ୍ୱତ ଆଉ ଅଠାନବେ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼, ତୁମକୁ ବୋଗି ଅନେଶ୍ୱତ ବଡ଼, ତା'ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ନେବି, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ହଟେଇଦେଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୋତେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଗିଛି ନା, ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଯିଏ ରହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ହଟେଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କି ଯିଏ ଛୋଟ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ହଟେଇଲି, ସରିଲା କି? ଚାଲ ପୁଣି ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା, ଇଏ ଏଗାର ଗୁଣନ ଚାରି ଚଉରାଳିଶ, ଆଉ ଚଉଦ ତିରି ବୟାଳିଶ, ତ ମୋତେ ବତା ଏବେ ବି କିଏ ବଡ଼ ରହିଲା, ଇଏ ବଡ଼ ରହିଲା, ଏବେ ବି କିଏ ବଡ଼ ରହୁଛି, ଏବେ ବି ତ ଇଏ ହିଁ ବଡ଼ ରହୁଛି ନା, ବାସ୍ ୟାକୁ ବି ହଟେଇଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଇଏ ବି ହଟିଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଚଉଦ ତିରିଶ ବୟାଳିଶ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଚଉରାଳିଶ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଏ ଦେଖବା ଏବେ? ଏଗାର ଗୁଣନ ତେର, ଏଗାର ଗୁଣନ ତେର କଲେ ହେବ ଏକଶହ ତେୟାଳିଶ, କେତେ ହେବ ଏକଶହ ତେୟାଳିଶ, ଚଉଦ ଗୁଣନ ଦଶ କଲେ ଏକଶହ ଚାଳିଶ, ତୁମେ ତ ବଡ଼ କିଏ, ତୁମକୁ ବୋଗି ଏଇ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏଇଠି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା,
जहाँ छोट रेजल्ट आसाला मुझे एलिमेट कर बजाऊली तो आंसर के इलेवेन बै फोर्टन तुम रईट आनसर हम इलेवेन बै फोर्टन बुझे कि नहींगला ना जोटा बुझी हेनी ना कमेंट सेक्शन में मेनसन कर कि ये टाइप्सा बुझीगलानी तो मुझे ट्राए करी से टाइप्सा को आउ थे कवर कराया ठीक अच्छे देख एवं कौन दिखाई थ्री बै फोर अफ फाइव बै सिक्स अफ सेवेन बै टेन अफ वन सिक्स सिक्स फोर इक्वाल टू के मतलब कहला कि थ्री बै फोर अफ माना मल्टीप्लिकेसन फाइव बै सिक्स अफ माना मल्टीप्लिकेसन सेवेन बै टेन अफ माना मल्टीप्लिकेसन वन सिक्स सिक्स फोर ठीक अच्छे तो मतलब बताओ ये मुझे छे काटवि छे कटो कि लास्ट दुई कटूँ चार पाँच छे कटोनी बुझे लगे कि चार कटि पार चार कटो चार काटे के चार चार चौ षोल चौ चौष्टी इतक लगे जी मुझे तीन काटली तीन काटली तो तीन दुगुण छाला दुई में काटले कटब कि दुई में काटले कटब कि नहीं छाड़ दुई में काटबी नहीं देख ये फास्ट इतनी था मत यू एवं देखाला जमीक मुझे तीन आउ छटवानी है तो मुझे कह पाँच काटबी पाँच दुगुण दस है तीन काटले तीन दुगुण छाला आ दुई दुगुण के चार जब मुझे चार काटली तो ये के चार काटले चार के चार चार चौ षोल है कि तो सतरे जो गुणन करागला सात चौ अठाईस सात के सात तो तुम आंसर के देव सेवेन ट्वेंटी एट आंसर के देव सेवेन ट्वेंटी एट तुम राइट आंसर हम मैंने ऑप्शन डी तुम राइट आंसर हो क्लियर है चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन थी क्वेश्चन भलसे देख ये टाइप्र क्वेश्चन से एक्जाम बहुत थोड़ा पचरा हुए खाली डेसिमल चेंजेस मगा है बुझे कि नहीं तो आंसर के सब सिली मिस्टेक्स हमारे चांसेस बहुत अधिक था बुझे तो या केयरफुली कर जमीक ये कहुई कि वन बाय थ्री पॉइंट सेवेन वन एट इक्वल टू है जीरो पॉइंट टू सिक्स एट नाइन एतक दिगला है ये मत ये क्वेश्चन मगागला वन बाय जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री सेवेन वन एट रैल्यू के मतलब पचारि ठीक अच्छे तो मत बताओ मुझे फास्ट रे ये भलसे बुझ मुझे यही नंबर तले डिनोमिनेटर यही संख्या ही आने चाहती जब डिनोमिनेटर यही संख्या जो आई चाहती तो डेसिमल कौटी आसता ये डेसिमल के आसता सॉरी ये नहीं तार आगे आसता ना बहुत भलसे बुझ डेसिमल कौटी आसता ये हेले ही वन बाय मुझे कि उपरे जहाँ नंबर अच्छी मुझे सहीटार कनवर्ट कर तो ये डेसिमल कौ जगह आसता ये तो ये कतटा घर को आगे आसता एक दुई तीन चार तो तुम कह कि एटी भी चार्टा घर को आगे आसवार कथा था तम मैंने एक दुई तीन चार्टा जीरो होगा बुझे कि नहीं है मुझे कि तार मैंने कौन हाला बुझ था तुम कह कि ये आसला वन टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट सेवेन वन एट लिखवा जहाँ यो लिखाई थी ना क्वेश्चन में तार वैल्यू भी पूरा समान यार वैल्यू भी पूरा से ही समान थ्री सेवेन वन एट यार वैल्यू भी पूरा समान बुझे कि नहीं बाकी मत क्वेश्चन तो देखा यार डाटा ना यार डाटा ये जीरो जीरो रो देखा कि नहीं ना ये जीरो जीरो मान कौन कि जीरो जीरो मान है एक रे केते हजार दस हजार गुणन हो नहीं एक रे दस हजार गुणन होटे डिवाइडेड बाय होगा थ्री पॉइंट सेवेन वन एट बुझिपार हाँ तुम कह कि यही भैल्यूरे खाली केते गुणन हो जाए हजार गुणन दस हजार गुणन होते गुणन हो दस हजार गुणन होते गुणन है दस हजार तो तुम कह कि यही भैल्यूरे भी केते गुणन हो दस हजार जदि दस हजार रुणन है लेफ्ट हैंड साइड जब दस हजार गुणन करी मुझे भैल्यू मगुची तो राइट हैंड साइड भी दस हजार गुणन हम जदि दस हजार गुणन हो मत बता ये कतटा जीरो लगी चार्टा तो तुम कह कि डेसिमल भी चार्टा प्लेस आगे जीव तो बाकी जदि गुणन हो संख्याटा भी बड़ हवा स्टार्ट हम आगु जोटा पॉइंट टू थी अभी टू पॉइंट हो बुझे लगे नहीं तो संख्या धीरे धीरे बड़ हम मैंने से कौ सैड जीव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आड़े जीव दशमिक संख्या कतटा जीरो लगी है ये चार्टा जीरो ये चार्टा दशमिक एपटे गला तो तुम कह कि दशमिक ये आसो जदि दशमिक ये आसगला ये संख्याटू कौन पढ़ाव टू सिक्स एट नाइन जदि एमती आसगला टू सिक्स एट नाइन पॉइंट जदि लिखाला तो या तुम कैसे पढ़ो कि टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी नाइन पढ़ाव कि नहीं तो तुम राइट आंसर के देव टू सिक्स एट नाइन तुम राइट आंसर हो मैंने ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा बुझेगा कि नहीं आम आज वीडियो एतक ही था एतक ही क्वेश्चन आम नहीं आसलू आम हल्का हल्का कन्सेप्चुआल क्वेश्चन भी करवा जहाँ भी कन्सेप्ट भी बुझेबा तक प्राक्ट क्वेश्चन भी करवा एमती करके सब चैप्टर कवर करवा नोटिफिकेशन आसवा आगु हुए तो मैंने एमती भगवान करूँ कि आम सब चैप्टर कवर कर देता हूँ तापर खाली प्राक्ट सेसन आम स्टार्ट करवा बहुत बहुत क्वेश्चन जमीक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नहीं
पर डे बुझेगा कि नहीं। आउ जहाँ भी वीडियो भल लगुच प्लीज तुम सांगसाथी से सेयार करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, जॉइन नेक्स्ट वीडियो भेट हाँ।